नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता दुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शादी विवाह समारोह पर सरकार की सख्ती नजर आ रही है। शादी समारोह में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जारी किए आदेश। मुख्य सचिव की सभी अधिकारियों को दिए हैं ये आदेश। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं, नियम लागू किए हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। मुख्य सचिव सभी अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं। नियम अगले आदेश तक लागू रहेगा, जिसके तहत शादी समारोह में अब केवल 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी विवाह समारोह पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शादी समारोह में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ऐसे में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये आदेश जारी किए हैं। साथ ही मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब शादी समारोह में केवल 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए शादी विवाह समारोह पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब शादी समारोह में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरीके से ये नई गाइडलाइन आई है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कि अब 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट है? प्रदेश में पूरा टोटल कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ये मामले हैं, ये 13 जिले नहीं बल्कि जो मैदानी जिले हैं उन जिलों से आ रहे हैं, यानी कि स्थितियां बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है उत्तराखंड की। और इसको देखते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किया है कि अग्रिम आदेशों तक जो शादी विवाह के कार्यक्रम है उनमें केवल 200 लोगों को ही अनुमति है आने की, उससे अधिक लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी होटल्स और बैंकवेट, साथ ही वेडिंग पॉइंट के सभी लोगों को कहा गया है कि 200 से अधिक लोगों की गैदरिंग एक स्थान पर ना कराई जाए, उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए और ये आदेश अग्रिम आगे आदेशों तक जारी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चिंता बढ़ती हुई नजर आती है और इसको देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। जी, तो ये जो आदेश है ये सिर्फ शादी समारोह के लिए है या फिर कुछ और अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी ये नियम लागू होता है? जी बिल्कुल, अभी तक जो बताया गया है वो शादी समारोह के कार्यक्रमों के लिए किया गया, और इसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उनके लिए अभी जिला अधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत है। तो कहा जा सकता है कि अनुमति जरूर उनको नहीं मिलेगी इन कार्यक्रमों के लिए, लेकिन अभी महत्वपूर्ण चीज ये है कि लोगों की पहले से ही ये बुकिंग शादियों के लिए हो रखी है और लगातार जो शादी का सीजन है वो भी शुरू होने वाला, तो इस वजह से इस तरीके के आदेश सरकार द्वारा निकाले गए हैं ताकि वो अपनी व्यवस्थाओं को फिर से एक बार दुरुस्त कर पाए और जो स्थितियों के हिसाब से वो अपने जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं शादी में, उनको बुला पाए। जी, और शादी समारोह में सैनिटाइजिंग व्यवस्था को लेकर के या फिर कोरोना नियमों को लेकर के इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम है या इनकी देखरेख कौन करेगा अगर जब भी ऐसा कोई समारोह आसपास देखने को मिलता है तो? जी बिल्कुल, इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी जिला अधिकारी से, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये सारी व्यवस्थाएं जो वेडिंग पॉइंट वाले हैं वो करेंगे, उसके साथ होटल जिनके होटलों में शादी होगी वो होटल्स वाले इन व्यवस्थाओं को पूरा करेंगे। साथ ही अगर कहा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आम जनमानस की भागीदारी भी जरूरी है, और तो इसी वजह से भी कि जो आम जनमानस है वो इसको कड़ाई से इसका पालन करेंगे और 200 लोगों से अधिक लोग समारोह में मौजूद नहीं होंगे। सरकार ने अपील भी की और इसके निर्देश भी मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आखिरकार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ती है, क्योंकि अब फिर से एक बार कोरोना अपने पैर पसाना शुरू कर रहा है। और जिस तरीके से साल 2020 में प्रदेश के अप्रैल के माह में इस तरीके से 1000 के आसपास रोजाना केस पाए जा रहे थे, तो 2021 में भी उस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये स्थिति चिंताजनक जरूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं